हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश लिटरेचर अड्डा पर। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेंसेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, और ये एक सीरीज होगी कंप्लीट टेंसेस की। वैसे तो अगर मैं चाहूँ एक वीडियो में पूरे कंप्लीट टेंस आपको करवा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं डिटेल में आपको ये टेंसेज करवाऊँगा एक पार्ट एक वीडियो में, और आप इनके नोट्स बनाते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेंस, टेंस का जो मीनिंग है वो है काल। काल से हम समझ सकते हैं समय। टेंस का मीनिंग क्या है? समय है, समय। तो समय तीन प्रकार का होता है, जो फिलहाल चल रहा है वो, जो बीत चुका वो, और जो आने वाला है वो। तो इसको हम ग्रामेटिकली ऐसे समझते हैं, जैसे टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस जो अब फिलहाल है, पास्ट टेंस जो कभी था, और फ्यूचर टेंस जो कभी होगा। फॉर एग्जांपल, आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। मैं जो कल वीडियो अपलोड करूंगा वो आप देखेंगे तो वो होगा फ्यूचर टेंस, है ना? और जो आप कल वीडियो देखेंगे और जो आज देख रहे हैं तो वो कल बन जाएगी पास्ट टेंस। तो जो ये तीन टेंस हैं, इनके चार चार पार्ट हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट हैं, पास्ट टेंस के भी चार पार्ट हैं, और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट हैं। इन तीनों का जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, और फ्यूचर का इंडेफिनिट, ऐसे ही इन तीनों का जो सेकेंड पार्ट है वो है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे ही इन तीनों का जो थर्ड पार्ट है वो है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और ऐसे ही इनका फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, और इन तीनों के ये चार चार पार्ट हैं। इसके भी चार यही हैं, इसके भी चार यही हैं, और इसके भी चार, ठीक है। अब जो ये चार पार्ट हैं, इनके भी चार चार पार्ट हैं, इंडेफिनिट के भी, कंटिन्यूअस के भी, परफेक्ट के भी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी। देखते हैं, उन चारों का फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंगल इंट्रोगेटिव, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव, ये इनके चार पार्ट हैं। अब जैसे अफर्मेटिव की बात करते हैं, अफर्मेटिव में कैसे सेंटेंस होते हैं? अफर्मेटिव की हिंदी स्वीकारात्मक वाक्य। क्या है इसकी हिंदी? स्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव की हिंदी क्या बताइए? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक मतलब है इसमें ना तो कोई निगेटिव वर्ड होगा, जैसे न तो नहीं, और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, कब क्यों कहाँ कैसे। तो ऐसा सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें निगेटिव वर्ड पाया जाता है, न तो नहीं, जैसे वह किताब पढ़ता है, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। वह किताब पढ़ता है, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव क्या होगा? वह किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। और इसका सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान है अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है तो वो होगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, या क्या वह किताब नहीं पढ़ता, इसमें नहीं आ भी सकता है और नहीं भी। तो जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है जिसमें ना कोई निगेटिव वर्ड ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड, वो होगा अफर्मेटिव। जिसमें ना नहीं होगा वो होगा निगेटिव, और जिसके शुरू में क्या होगा वो होगा सिंगल इंट्रोगेटिव। अब बचा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव भी पहचानना बड़ा आसान है, अगर सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे है तो वो सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होता है। जैसे वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, या वह किताब कैसे पढ़ता है, या वह घर कब जाता है, या वह कहाँ रहता है, ये सब क्या है? कब क्यों कहाँ कैसे डबल इंट्रोगेटिव है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम इन टेंसेज में शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट। तो शुरू होगा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये पूरी सीरीज आएगी, और ये आप जो है नोट्स बनाते रहें, ये सभी नोट कर लें अपनी बुक में, और इससे बाहर आपका जो है टेंस में कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छे से मैं आपको ये करवाऊंगा डिटेल में, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इन फ्यूचर भी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान।
इस क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले मान लो हमें कोई टेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले उसकी पहचान का पता होना जरूरी है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी पहचान क्या है? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती हूँ, ता हूँ और इसी प्रकार से अन्य शब्द आते हैं। अब थोड़ा सा मैं जो प्रेजेंट माने तो आपको पता ही है वर्तमान, जो इंडेफिनिट है वो है अनिश्चित काल, तो वर्तमान अनिश्चित काल इसकी हिंदी है क्योंकि इसमें घटनाएं अनिश्चित होती हैं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो कोई ये नहीं है कि हाँ फिक्स है कि ये उस समय पढ़ रहा है, तो अनिश्चित है, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल इसकी जो हिंदी है। पहचान इसकी ये हो गई, जैसे वह किताब पढ़ता है तो लास्ट में क्या है इसके ता है, मैं घर जाता हूँ तो इसके लास्ट में क्या होगा ता हूँ, तो इसी तरीके से इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड आपको मिलेगा, ता है, ते है, ती हूँ, ता हूँ इनमें से। अब बात करते हैं इसकी, इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। तो कितनी हेल्पिंग वर्ब है इसकी? इसकी हेल्पिंग वर्ब है दो, डू और डज। अब दो हेल्पिंग वर्ब क्यों है, इसका रीजन है, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब ये है जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे। जैसे अगर आई वी यू दे अगर इनका यूज हम करते हैं तो इन सभी सेंटेंसेस के साथ डू का यूज होगा, समझे, और अगर ही सी इट या किसी का नाम है तो हम यूज करेंगे डज का, इसीलिए इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लूरल है बहुवचन है, हम बहुवचन के लिए डू का यूज करते हैं और जो डज है वो करते हैं हम एक वचन सिंगुलर के लिए, एक वचन सिंगुलर के लिए किसका यूज करते हैं हम डज का, समझे। अब इसमें बात करते हैं हम वर्ब की, इसमें जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का मतलब है सेंटेंस में जो काम होता है, जो कार्य होता है, जैसे वह किताब पढ़ता है तो वह किताब पढ़ता है इसमें काम क्या हो रहा है, क्या वर्ब है इसमें, इसमें काम हो रहा है पढ़ने का, तो मेन वर्ब मतलब कार्य, सेंटेंस में जो भी कार्य है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें कार्य क्या है, इसमें कार्य है पढ़ने का, तो पढ़ने की जो इंग्लिश है वो है रीड और हमें यूज करनी है रीड की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही है। जैसे गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो मीन्स जाना, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोन, तो ऐसे ही हमें वर्ब भी याद करनी है। देखिए अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो टेंस सीखने के लिए आपके वर्ब याद होनी बहुत ज़रूरी है, तो आप अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से टेंस शुरू करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी तीनों की तीनों फॉर्म, तो आप उससे पहले ये वर्ब याद कर लें तो बेहतर होगा। बाकी अगर वर्ब याद नहीं है तो जो सेंटेंस में वर्ब आएगी वो करने के लिए आप बुक की हेल्प ले सकते हैं और फिर आराम आराम से साथ साथ में याद भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया डू डज का, डू का यूज़ करते हैं हम आई वी यू दे के साथ और डज का यूज़ करते हैं हम ही सी इट और नेम के साथ, और इसमें मेन वर्ब जो कार्य होगा सेंटेंस में उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, प्रथम स्थिति, फर्स्ट मीन्स प्रथम, फॉर्म मीन्स स्थिति, फॉर्म मीन्स है स्थिति, ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नोट करते रहे, नोट्स बनाते रहे, बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके और ट्यूशन वगैरह पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है, 10th 12th क्लास 8 से और 12th तक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और या फिर जिसको पढ़ना पसंद है उसके लिए। तो हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी स्वीकारात्मक वाक्य, और मैंने आपको बताया था ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड होता है और ना ही कोई निगेटिव वर्ड होता है, मतलब ना तो नहीं मिलेगा ना ही कब क्यों कहाँ कैसे मिलेगा। अब इसके रूल्स, अब ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए ये इसके रूल्स हैं, 1 by 1 5 पॉइंट है, और हमें इंग्लिश बनाने के लिए नंबर वाइज लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है, जो काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, है ना। अगर याद नहीं है तो जो तुम्हारी बुक है ग्रामर की बुक उसमें ये सारी की सारी फॉर्म दे रखी है, तो उस बुक में देख करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपने की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा वर्ड। अब जैसे सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, वह अपनी किताब पढ़ता है, ये सेंटेंस हमें दे दिया और आप बिल्कुल जीरो हैं टेंस में, तो डोंट वरी आप सीख जाएंगे। तो नंबर एक हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तलाश कैसे करना है, कौन लगाकर, कैसे तलाश करना है सब्जेक्ट, कौन लगाकर। अब कौन लगाएंगे कहाँ पर,
जहाँ जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है, सेंटेंस में जो भी काम है उसके पहले में कौन लगाना है मन-मन में। अब जैसे ये है, वह अपनी किताब पढ़ता है ना, तो इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ता है, पढ़ने का, तो यहाँ पे लगाओ कौन, कौन पढ़ता है, तो जो आंसर में आएगा वही सब्जेक्ट होगा। आंसर क्या आया, वह, तो वह क्या है, सब्जेक्ट। आ गया समझ में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म है रीड, ठीक है। अब जो ही अफर्मेटिव सेंटेंस में ये भी ध्यान रखना है, जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट ये है, क्या है सब्जेक्ट, ही शी इट या नेम, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी उसमें हम एस या ई एस को ऐड करते हैं, ये भी नोट कर लें। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, ही सी इट या किसी का नाम है, तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें हमें एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एस और ई एस जोड़ना कहाँ है, जिस वर्ब के बाद में, ये भी लिख लें, टी एच सी एच ओ और एस, टी एच सी एच ओ और एस, अगर किसी वर्ब के बाद में इनमें से कोई भी एक शब्द है तो उसके लास्ट में ई एस जुड़ेगा, और इनके अलावा जो भी बचे सब में एस जुड़ेगा, तो ये भी नोट कर लिया। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो लिख दिया हमने रीड। अब सब्जेक्ट है इसमें ही सी इट, मतलब सिंगुलर है, तो सिंपल सी बात है, इसमें एस जोड़ दें। उसके बाद अपने, अपने है इसमें, है बिल्कुल वह के साथ अपने, तो वह की इंग्लिश है ही, और ही के साथ हम हमेशा अपने की इंग्लिश हिज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिज, तो ही रीड्स हिज। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास करेंगे हम क्रिया से पहले, क्या या किसको लगाकर, तो क्या पढ़ता है, आंसर में क्या आया, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो लिख दो हिज बुक। तो ऐसे हम जो है कर लेंगे। अब ये अपने की इंग्लिश भी लिख लो तुम, अगर किसी के याद नहीं है, जो ही है ही के साथ अपने की इंग्लिश होगी हिज, ठीक है, शी के साथ अपने की इंग्लिश होगी हर, एच ई आर, और आई के साथ अपने की इंग्लिश होगी माई, और वी के साथ अपने की इंग्लिश होगी अवर, ओ यू आर अवर, और दे के साथ टी एच ई वाई, दे के साथ अपने की इंग्लिश होगी दियर, टी एच ई आई आर, ठीक है, आई वी, अब बचा यू, ये नोट कर लें, यू, वीडियो पॉज करके आप जो है ये नोट कर सकते हैं, यू, यू के साथ अपने की इंग्लिश होगी योर, ये आप अपने की इंग्लिश नोट कर लें जरूर। अब हमने ये सेंटेंस कर लिया, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं प्रतिदिन अपने घर जाता हूँ, ठीक है, तो नंबर एक सब्जेक्ट लिखना है, कौन लगाकर क्लास कर लेंगे, तो कौन जाता है, आंसर में क्या आया, मैं, तुमने मैं की इंग्लिश लिख दी आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, काम क्या हो रहा है इसमें, जाने का, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म है गो। अब सब्जेक्ट है आई वी यू दे, मतलब बहुवचन है, तो इसमें एस या ई एस जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर सब्जेक्ट होते ही शी इट या किसी का नाम, तो फिर हमें इसमें प्लस एस या ई एस करना होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हमने गो लिख लिया, गो के साथ टू का यूज़ करते हैं, मतलब टू का यूज़ कब करते हैं, जब डेस्टिनेशन की बात हो किसी लक्ष्य की, या फिर जाने की बात हो, तो एंड पॉइंट डेस्टिनेशन या जाने की बात हो, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ से अलग होने के लिए, जैसे दिल्ली से आगरा आ रहा हूँ, तो आने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। उसके बाद अपने, अपने है इसमें, बिल्कुल है, तो आई गो टू तो हो गया। अब आई के साथ अपने की इंग्लिश, इंग्लिश मैंने आपको बताई थी माई, है ना, ये याद कर लेना, तो आई गो टू माई लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास करेंगे, क्या आया, किसको लगा कर, है ना, तो किसको जाता हूँ, तो कहाँ जाता है वो, घर जाता है, तो आई गो टू माई हो गया था, होम लिख देंगे, आई गो टू माई होम। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड कैसे तलाश करेंगे, कब लगा कर, ये लिखना मेरे ध्यान नहीं रहा था, तो आप अपने नोट्स में लिख लेना है, एक्स्ट्रा वर्ड कैसे तलाश करेंगे, कब लगा कर, अब बस वर्ब से पहले कब लगाओ, और जो भी आंसर होगा वो एक्स्ट्रा वर्ड है। कब जाता हूँ, तो प्रतिदिन जाता हूँ, प्रतिदिन की इंग्लिश है डेली, ऐसे कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। अब हम इसी का ही सेकंड पार्ट नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें नहीं आता है। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य इसकी हिंदी है, जैसे वह प्रतिदिन अपनी किताब
नहीं पढ़ता है। तो नंबर एक क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो क्रिया से पहले कौन लगाकर जो है हम पढ़ लेंगे, तो कौन पढ़ता है, यहाँ लगाओ कौन, कौन पढ़ता है, आंसर में क्या, वह। तो यहाँ पे लिख दिया ही, वह इंग्लिश क्योंकि ही है। उसके बाद डू या डज, तो तुम्हें बता रखा है स्टार्टिंग में ही, इसके साथ क्या लिखेंगे हम, ही के साथ, ही के साथ हम लिखेंगे, देखो ही के साथ हम क्या लिखेंगे, इनके साथ हम क्या लिखेंगे, डज, और इनके साथ हम क्या लिखेंगे, डू। तो ये ध्यान रखें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डज, लिख दिया। नंबर थ्री क्या लिखेंगे, नोट, नई इंग्लिश नोट, तो ही डज नोट, मेरे ख्याल से ही समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नंबर फोर, हमें कौन सी इंग्लिश लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब काम क्या हो रहा है इसमें, क्या काम क्या हो रहा है, वह प्रतिदिन अपनी किताब नहीं पढ़ता, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म है रीड। उसके बाद अपने है इसमें, बिल्कुल है, तो ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या होगी, हीज़। ये तुम्हें लिखवाई थी, और वीडियो पॉज करके वो अपने की इंग्लिश नोट कर लेना, लिख लिया हीज़। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता है, आंसर में क्या आया, किताब पढ़ता है जी, तो यहाँ पे लिख देंगे बुक, किताब की इंग्लिश। उसके बाद ETC, एक्स्ट्रा वर्ड कैसे बताया था, कब लगाकर तलाश कर लेंगे, क्रिया से पहले, ये भी नोट कर ले भाई, कैसे तलाश कर लेंगे, क्रिया से पहले कब लगाकर, कब पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है जी, भले ही पढ़ता ना हो, प्रतिदिन पढ़ता है, तो कब पढ़ता है, प्रतिदिन, प्रतिदिन की इंग्लिश होगी डेली, ऐसे हम बना लेंगे सेंटेंस, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी है प्रश्न सूचक वाक्य। अब इसकी हिंदी क्या बताई थी तुम्हें, इसकी पहचान क्या बताई थी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, याद होगा या बोल गया होगा, इसकी पहचान तुम्हें बताई थी जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ होगा, क्या होगा, क्या, अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो वो होगा सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस, ये टेंस कौन सा है, दो चीज़ का ध्यान रखना है, नंबर एक टेंस कौन सा है, ठीक है, और नंबर दो सेंटेंस कौन सा है। जैसे ये इसकी इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले पहचान लो टेंस कौन सा है, टेंस की पहचान होगी लास्ट से सेंटेंस के अंत में, क्या इसके, ता हूँ, तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद देखना है सेंटेंस कौन सा है, चार सेंटेंस बताए थे ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव, तो इसके स्टार्टिंग में है क्या, तो ये कौन सा है, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो ये बात ध्यान रखना, दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है, उसी के बाद हमें इंग्लिश बनानी शुरू करनी है। तो ये है सिंगल इंट्रोगेटिव, तो सिंगल इंट्रोगेटिव के रूल्स ये लिख रखे हैं आपके भाई ने पहले ही, तो देख लो। नंबर एक क्या लिखेंगे, डू या डज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई, इसमें सब्जेक्ट है मैं मतलब आई, तो अब देख लो आई के साथ डू लिखेंगे या डज, ये रहा, क्या लिखेंगे आई के साथ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे आई के साथ हम डू लिखेंगे, ये सारे सब्जेक्ट के साथ डू लिखेंगे, ठीक है। तो लिख दो वहाँ पे भी जाके जल्दी से, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आई लिखेंगे तो आई के साथ क्या होगा, डू। तो नंबर एक क्या लिखेंगे, डू लिख दिया, नंबर दो सब्जेक्ट कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ जी, तो आई लिख दिया मैं इंग्लिश। उसके बाद नोट है इसमें, बिल्कुल है, अगर दिया हुआ है तो नोट लिख देंगे, अगर नोट नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए ब्रैकेट में है। तो डू आई नोट, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर फोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म है रीड, ये लिख दिया। उसके बाद है अपने, है इसमें अपने, बिल्कुल है जी, मेरा अपने, तो मैं के साथ अपने की इंग्लिश बताई थी तुम्हें, आई के साथ माई, है ना, तो माई लिख देंगे, लिख दिया जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट कैसे बताया था, क्या या किसको लगाकर, किसको पढ़ता है या क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो बुक लिख देंगे, है ना। उसके बाद, और ये दा यूज़ नहीं करना इसमें, अगर अपने की इंग्लिश है तो अपने की इंग्लिश के बाद कोई भी दा या आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद ETC बता रहा तुम्हें कब लगाकर, कब पढ़ता है, आज, कल, परसों, कोई आंसर में नहीं है, इसका मतलब ये इसमें एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसा होगा सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने से पहले तुम्हें क्या बताई थी, दो बात बताई थी, क्या करना है, पहले सेंटेंस, पहले टेंस पहचानना है, पहले क्या करना है, टेंस पहचानना है, उसके बाद सेंटेंस देखना है कौन सा है ना। तो टेंस पहचान लो लास्ट से, टेंस कौन सा है, ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है जी, पहचान लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या बचा, सेंटेंस कौन सा है, मैं अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो
इसमें तो क्यों आ गया। और तुम्हारे याद होगा कि भाई हमारे सर ने तो ये बताया था कि अगर कब क्यों कहाँ कैसे सेंटेंस के बीच में है तो उस सेंटेंस का नाम डबल इंट्रोगेटिव होगा, है ना। और ये भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के शुरू में क्या है तो वो होगा सिंगल इंट्रोगेटिव। तो इसके इसमें क्या है, इसमें है क्यों बीच में, तो इसका मतलब ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी इंद्रिय प्रश्न सूचक वाक्य और जिसके रूल्स ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। ये जो क्यू डब्ल्यू लिखा हुआ है इसमें अटकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यू मतलब क्वेश्चन, क्यू मतलब क्वेश्चन, ठीक है, और डब्ल्यू मतलब वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। तो नंबर एक हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, मैं अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन वर्ड है अपनी किताब या नहीं, या पढ़ता हूँ भाई, क्यों तो है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्यों है क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, ये लिख दिया हमने वाई। नंबर दो क्या लिखेंगे हम, डू या डज। तो डू या डज इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर थ्री सब्जेक्ट लिख देंगे, कौन पढ़ता है, मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई, लिख दिया। नंबर फोर क्या लिखेंगे हम, नंबर फोर हम लिखेंगे नोट है इसमें, बिल्कुल है, तो नहीं की इंग्लिश है नोट। नंबर फाइव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है इसमें पढ़ने का, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है रीड। उसके बाद अपने है इसमें, बिल्कुल है, तो आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या होगी, माई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या या किसको, क्रिया से पहले क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, बुक लिख देंगे। और दा का, ए का, एन का यूज़ नहीं होगा, अगर अपने की इंग्लिश है और अपने के बाद कोई नाउन है तो उनके बीच में क्या यूज़ नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। माई अपने की इंग्लिश के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, बस ये ध्यान रखना है। ETC कब पढ़ता है, बिल्कुल कोई आंसर नहीं है जी, आजकल परसों। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज आपका ये हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके नोट्स बना दे रहे हैं। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस और अच्छे से। अब जैसे ये हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना, कोयल मधुर गीत गाती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये तुम्हें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करने हैं, और जो ये निगेटिव सेंटेंस हैं जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैच करने हैं कि हाँ सर ने सही भी बताया है या गलत बताया है ना। जैसे वह चावल नहीं खाता है तो ये क्या है, निगेटिव है, ये वह चावल नहीं खाता है, निगेटिव है। तो निगेटिव के रूल्स क्या है, नंबर एक सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट तलाश कैसे करेंगे, क्या बताया था, क्रिया से पहले कौन लगाकर, काम क्या हो रहा है इसमें, वह चावल नहीं खाती है, इसमें है खाने का, तो कौन खाती है, आंसर क्या होगा, वह खाती, तो लेडीज़ है, तो भाई शी लगा देंगे इसकी इंग्लिश। उसके बाद शी के साथ डू का यूज़ होगा या डज का, सिंपल सी बात है, डज का यूज़ होगा शी के साथ। नोट भी है इसमें, नोट लगा देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ईट, और क्या खाती है, चावल नहीं खाती है जी, चावल तो राइस, सी डज नॉट ईट राइस, ऐसे कर देंगे। अफर्मेटिव भी देख लो, कोयल मधुर गीत गाती है, तो नंबर एक क्या लिखना है, सब्जेक्ट, कौन गाती है, कोयल गाती है जी, कुकु, कोयल की इंग्लिश है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है इसमें, गाती है, तो होगा सिंग, तो ये कोयल क्या है, एक ही तो है भाई, सिंगुलर है, तो इसमें एस जोड़ देंगे, सिंग्स। उसके बाद क्या गाती है, मधुर गीत गाती है, ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद इसमें अपने या कोई एक्स्ट्रा वर्ड है ही नहीं, तो ये सारे के सारे ऐसे कर लेंगे। एग्जाम्पल हैं अपना, जो तुमने स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में नोट कर लिए हैं वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस करने हैं, ठीक है, और सीखने हैं। और इसमें और ये भी सेंटेंस हैं, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, ये भी सेंटेंस देखने हैं कि यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग सही बैठ रहे हैं क्या, बिल्कुल सही है, और सबसे ईजी भी हैं। उसके बाद यहाँ डबल इंट्रोगेटिव, ये भी करके देखने हैं सारे के सारे सेंटेंस। और उसके बाद है ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर किसी सेंटेंस में आया कितना दूध है ना, तो हाउ मच मिल्क। अब दूध को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, तो अगर काउंट नहीं कर सकते तो होगा हाउ मच का यूज़, कितना के साथ। अगर काउंट करने वाली चीज़ है काउंट कर सकते हैं, जैसे पैन काउंट कर सकते हैं, तो फिर मच की जगह यूज़ होगा मैनी। अगर काउंट नहीं कर सकते तो मच, और अगर काउंट कर सकते हैं तो मैनी, तो हाउ मच मिल्क, मिल्क काउंट नहीं कर सकते, हाउ मैनी पैन, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितने पैन, हाउ मैनी पैंस, कौन सी फिल्म, विच फिल्म, किसकी बाइक, हुज बाइक, किस कक्षा में, इन विच क्लास, ये ध्यान रखना है। ये एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं सेंटेंस में, अगर ये हैं, इनके बाद ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज होगा, बस ये ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट के रूप में लिखने के। तुम कितना दूध पीते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, अभी देखो, अभी करो, है ना, एक सेंटेंस कर लो,
तुम कितना दूध पीते हो। तो दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, तो होगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डू यू, हाउ मच मिल्क डू यू, क्या होगा दूध पीते हो, ये होगा टेक, ड्रिंक नहीं होगा भाई साहब, ये ध्यान रखना है। हाउ मच मिल्क डू यू टेक, तो ऐसे बनाना है, इनका यूज करना है, जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, विच फिल्म, हुज बाइक, है ना, हुज किसका, किसकी, किसके के लिए हुज का यूज होगा, किसके लिए इन विच का यूज होगा, कौन सी के लिए विच का यूज होगा, कितने के लिए, अगर काउंटेबल है तो मैनी का यूज होगा, कितना कितने कितने के लिए, और कितना कितने कितने के लिए अगर अनकाउंटेबल है तो मच का यूज होगा, बस ये भी ध्यान रखना। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनकी जो है प्रैक्टिस करें, सेंटेंस की रूल्स याद करें और नोट कर लें जरूर, और इससे इजी वे में और कुछ नहीं हो सकता। और बने रहें हमारे चैनल पर, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और भाई साहब घंटी जरूर बजा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।